नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद के बसंतपुर व छोटहर गांव के साथ साथ कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण और किसान हर साल बारिश के वजह से होने वाले जल जमाव से पूरी तरह से पीड़ित और ग्रसित हैं। इस गांव में हर साल जल जमाव इस कदर होता है कि किसानों की लगाई गई फसल अपने दम तोड़ देती है और किसानों और ग्रामीणों को बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों ने अधिकारियों से अपनी समस्या की शिकायत कई बार पहुंचाई, लेकिन किसी तरह से कोई अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुनी। कई गांव के ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं और नुकसान को देखते हुए मेन रोड पर कई घंटों तक अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। चक्का जाम की वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह प्रशासन के सहयोग से लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन ग्रामीण इस कदर अपने नुकसान और दर्द को झेल रहे थे, उन्होंने किसी भी अधिकारी की बात सुनने से मना कर दिया। इसी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन के बीच एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, जिसने अपने हाथ में लाठी लिए लोगों को रोकते नजर आई। उस महिला से पूछा गया कि आप यह क्या कर रही हैं, तो उस बुजुर्ग महिला ने बड़े दुख के साथ कहा कि हमारे सारे फसल नुकसान हो गई है, हम जल जमाव से पीड़ित हैं। अंत में नवागत SDM संजय यादव ने किसी तरह ग्रामीणों को समझाया और लिखित रूप से उनकी सारी मांगें पूरी और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। अब देख रहे हैं बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। कावे नहीं जाते ठीक है। मैं नित्यानंद मिश्रा, पूर्व प्रधान बसंतपुर। किसानों का दर्द है जो रोड पर आके छलका है। इस धूप में नीचे भी धूप से जल रहे हैं, हम लोग ऊपर से धूप से जल रहे हैं। ये किसानों की इस सुराहा ताल के किनारे बसे हुए 20 से 25 गांवों की किसानों की वो समस्या है जो आपके सामने आज पड़ी है। उन पशुओं की समस्या है जिसकी चारा नहीं है, उन किसानों की समस्या है जिसके घर में भोजन नहीं है, वो उस समस्या को लेकर हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। और यहाँ 25 से 30 गांवों के किसानों की समस्या है। अगर वो जलमग्न कटहर नाले से निकल जाता जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरा होती है तब तक। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि मैं अभी यहाँ एक हफ्ते से इस तहसील में कार्यभार लिया हूँ। बसंतपुर के लोगों के द्वारा यहाँ जाम लगाया गया है कि यहाँ पर कटहल नाला में जो अतिक्रमण है या किस तरह से अवरोध है कि पानी साफ रूप से नहीं निकल पा रहा है। इनके द्वारा जिन बिंदुओं को अवगत कराया गया उसके अनुसार कटहल नाला के गढ़ारी नाला के प्रवाह को रोका गया है, जिसे तत्काल हटवा दिया जाएगा। तथा जलकुंभी था पेड़ को भी हटवा दिया जाएगा। कटहल नाला में जिस स्थान पर अगर पेड़ गिरे हुए उसे GCB से हटवा दिया जाएगा। नाव द्वारा जो जलकुंभी आदि निकालने की प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से शुरुआत करा दी जाएगी। और जलमग्न कृषकों की पास की भूमि जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका सर्वे प्रारंभ कराया गया है, उसको पूर्ण करा करके मुआवजा दिलाया जाएगा। जी जी, जो हमारे बस में है या जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो कराई जाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अजय कुमार चौबे, ग्राम सभा छोड़ा प्रधान। मामला ये है कि जैसे छोड़ार है, सिरीपुर है, बसदेवपुर है, भीखपुर है, डुमरी है, सराया है, ये सारे गांव इस ये जो ताल है हम लोगों का सारे गांव में जल जमा हुआ है और कहीं से पानी निकल नहीं रहा है। देखिए अगली साल भी यही हुआ, जो कि हम लोगों का गेहूं का फसल तो एकदम बर्बाद हो गया। ये दो तीन साल से इधर कुछ नहीं हो रहा है, ना गेहूं हो रहा है ना धान हो रहा है, धान भी डूब जा रहा है। अरे अब करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाएगा, ये समझ लीजिए इतने गाँव का। अच्छा, फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग धरने पर जाएंगे, आंदोलन उसी तरह से हम लोग करें।